हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है 2 जनवरी और अभी मॉर्निंग हुई है जस्ट। और अभी मैं अपनी टी लेके आई हूँ, बेबी का दूध है। और ये देखिए दोनों ट्विंस, ये देखिए कैसे खेल रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग कर दो, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। ये है इसका भाई सक्षम, इसका नाम बताओ। सक्षम रोला। ये है रिद्धि, रिद्धि रोला, रिद्धि रोला। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे चाय वाय पी के। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है ब्लैंकेट वगैरह की अच्छे से तह लगा के रख दिया है, क्योंकि आपको पता ही है विंटर्स हैं तो ब्लैंकेट वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, तो वो सब मैं तय करके अच्छे से सेटल कर रही हूँ बेड को। ये रिद्धि है और इसको मैं बाहर थोड़ा घुमा रही थी ऐसे, क्योंकि बहुत रो रही थी उस टाइम पे। और अब देखिए कितने खुश हो रही है कैमरा देख के। जब रोती हैं तो दोनों साथ में रोती हैं, तब बहुत परेशानी हो जाती है हमें संभालने में इनको। यहाँ पे मैंने जो है अपने कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी तो जस्ट गीले से ही रह गए हैं, फिर वो शाम को हम अंदर डाल लेते हैं। रात को कपड़े हम बाहर नहीं छोड़ते। यहाँ पे मैंने सक्षम को होमवर्क दे दिया है और ये दादी है सक्षम की जो रिद्धि सिद्धि को खिला रही हैं अभी। वो दोनों रो रही थी तो उनके लिए थोड़ा टीवी चला दिया, टीवी देखती हैं, थोड़ा सॉन्ग सुन लेती हैं, राइम्स लगा देते हैं, और सक्षम अपना होमवर्क कर रहा है। अभी सक्षम की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, विंटर्स वेकेशन चल रही है, तो घर पे ही हम उसको एक्स्ट्रा पढ़ाई कराते रहते हैं, तो अभी वो प्लस माइनस की सम कर रहा है। और ये यहाँ पे उनकी दादी इनको खिला रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इनका डांस भी शुरू हो गया है, एंजॉय कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं तो ये डांस कर रहे हैं। अभी नून का टाइम है तो मैं दोनों के लिए सेरेलेक बनाने आई थी, दोनों को सेरेलेक बना के दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नैप ली। उसके बाद काफ़ी देर सोती हैं, मतलब सोने में बहुत देर लगा देती हैं, सुलाना पड़ता अच्छे से उनको। और ये मैंने अच्छे से काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, क्योंकि हाथ साथ के साथ क्लीन कर दो तो ज़्यादा बेटर रहता है, बाद में फिर बहुत काम बढ़ जाता है उसका। यहाँ पे तीनों खेल रहे हैं, अपने टॉय से खेल रही है सिद्धि, येलो में सिद्धि है, पिंक में रिद्धि है। सक्षम अब ट्यूशन जा रहा है, सक्षम का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, ये 3:30 हो गए हैं। सक्षम अपनी क्रॉक्स पहन के बैग लेके ट्यूशन जाएगा। चलो बैग टांगो। सक्षम अपनी दादी के साथ ट्यूशन जा रहा है, चलो बाय 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 बाय, आके मिलेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, हम यस करते हैं। ओके बाय बाय बाय। बाय बाय। सक्षम जा चुका है ट्यूशन, आइए ऊपर से इसको बाय करते हैं एक बार। ये आ गया सक्षम, बाय करो। सो गाइज, अभी 3:30 हो गए हैं, ट्यूशन गया है वो अभी, और 3:30 से 5:30 अप्रॉक्स है उसका ट्यूशन। एक्चुअली मैम उसको थोड़ा प्ले भी करवा देती हैं, थोड़ा बच्चे आपस में खेल लेते हैं, तो इसलिए उसका थोड़ा 2 घंटे का टाइम है। दोनों बेटियां सो रही हैं, अच्छे से खाना वाना खिला के उनको दूध पिला के और नैप लेनी अपनी,
और उठ जाएंगी वो भी थोड़ी देर में, इतने सक्षम नहीं होता है तो वो अच्छे से सो जाती है, वरना वो बहुत शोर करता रहता है, उनको डिस्टर्ब करता रहता है, सोने नहीं देता। हाँ बस कभी कभी सोने भी देता है, ऐसा नहीं है, पर हाँ मूड की बात है उसके। तो अभी वो भी जस्ट अपनी नैप ले रही है, जब वो उठेंगी तो उनके लिए कुछ बनाइए कोई उनके लिए डिश कोई बच्चों के लिए। और मैंने भी जस्ट अपने अपने कपड़े वगैरह का काम निपटाया है। चलिए मिलते हैं आपसे नाइट में या इवनिंग में। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों उठ गई हैं और सिद्धि ने जो है टॉयलेट में अपनी टी शर्ट वगैरह सब गीली कर ली थी, तो मैं उसके कपड़े चेंज कर रही थी। रिद्धि ने पॉटी कर ली थी एज यूजल, तो उसके भी डायपर वगैरह चेंज किया है और सिद्धि के कपड़े चेंज किए हैं। अभी ये बैठ नहीं पाती हैं क्योंकि अभी तो 7:30 की हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह के सहारे इनको बिठा देते हैं पिलो के सहारे, पर अभी खुद से नहीं बैठ पाती हैं, पर सीख जाएंगी धीरे धीरे। यहाँ पे इसके मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे सारे, क्योंकि विंटर्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का ना, कि गीले कपड़े ना रहें। और डायपर हम लोग रात को ही पहनाते हैं, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो दिन में पहना देते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब 4-5 घंटे के लिए। यहाँ इसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और रिद्धि का भी डायपर चेंज कर दिया है, और अब दोनों को साथ में लिटा के दिया है, ये तो ये खेल रही है। और मैं बता दूं आपको, अभी ये 7.5 मंथ की हुई है दोनों, इनका बर्थडे जो है 10 मई को है, मतलब 10 मई को ये हुई थी, तो अभी जस्ट 10 जनवरी को ये 8 मंथ्स की कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब पापा जी के लिए चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि वो बाहर से आए थे तो बाहर काफ़ी सर्दी है, तो उनको चाय का था, तो चाय बनाई उनके लिए। और शाम के लिए डिनर के लिए आलू बॉईल किए थे, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिए ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाए। यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन भी सारे अरेंज कर दिए, ड्रॉर में डाल दिए हैं, क्योंकि आंटी दोपहर में कर जाती हैं तो शाम को हम लगा देते हैं उनको। अभी विंटर है तो आंटी एक टाइम पे आती हैं और समर में दोनों टाइम आती हैं, तो फटाफट मैंने सारे कप वगैरह जो भी, तो ये प्लेट प्लेट की जगह पे, कुकर कुकर की जगह पे सारे बर्तन अरेंज कर दिए और पापा जी को चाय दे दी थी। सो गाइस अभी नाइट हो गई है और 9 बज गए हैं, बस डिनर वगैरह सब हो गया है हमारा, बस सोने की तैयारी है, बच्चे को सुलाने की तैयारी है, और अब आपसे जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए व्लॉग में। आप लोगों को सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और कोई गाइस मिलते हैं जल्दी किसी नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।